हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी इमिटेशन ज्वेलरी, नेक पीसेस, इयररिंग ये सब दिखाने जा रही हूँ। आज का व्लॉग इमिटेशन ज्वेलरी और मेरी जितनी भी है, मेरे पास जितना भी है प्रोडक्ट, ये इयररिंग सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये एक नेक पीस है जो आप देख रहे होंगे ध्यान से कि ये रेड और ग्रीन और गोल्डन वाइट नग रखे हुए हैं उसमें। ये देखिए, एक नेक पीस है ये जो हम किसी भी चीज़ के साथ पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा, या किसी चीज़ से मेरा मतलब है साड़ी के साथ आप पहनेंगे, किसी मल्टी कलर साड़ी के साथ पहनेंगे तो भी चलेगा, रेड या ग्रीन कोई भी हो तो भी अच्छा लगेगा। ये नेक पीस देखिए कितना सुंदर सा बना हुआ है। देन नेक्स्ट है एक जो पूरा सेट है, आपको दिखाती हूँ या शो करती हूँ मैं आपको। ये है एक नेक पीस, कुछ ये ऐसा है, ऐसा ये नेक पीस है लंबा सा, बीच में ये मांग टीका और ये इसके इयररिंग है साइड पे, ये इयररिंग लगे हुए हैं इसके साइड पे। ये कुछ गोल्डन टाइप है, गोल्डन है, उसमें नग लगे हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा है और इसे हम पार्टी में पहन सकते हैं, और अगर सिर्फ नेक पीस पहनना चाहे तो भी हम इसे सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। और नॉर्मली इयररिंग भी अकेले पहने जा सकते हैं। इयररिंग कुछ ऐसे हैं चांद वाली टाइप में, नीचे इसमें झुमकी लगी हुई है, या ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट है जिसमें मोर बना हुआ है कुछ, ये देखिए, या इट्स कुछ ऐसा है। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ सही से, ये कुछ ऐसा है। ये कुछ ऐसा है और ऐसा है, और ये इसकी इयररिंग है, ये ऐसा दिखता है नेक पीस जो है, ये जिसमें मोर बने, बहुत ही सुंदर मोर बने हुए हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखिए। और ये इसकी इयररिंग है जिसमें भी मोर बने हुए हैं, देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए जिसमें रेड ग्रीन और मोती का काम है। ये देखिए दो इयररिंग हैं और इसमें भी बने हुए हैं, ये बहुत ही सुंदर पीस है। इसको भी हम सूट के साथ कैरी कर सकते हैं, साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं। एक और नेक पीस है जो कोरल का बना हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आई शो यू, या कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए आप कितना सुंदर है, ये रेड कलर के रोज हैं एंड ग्रीन है, इसमें रेड कलर भी है, ग्रीन भी है और बीच में नक भी दिए हुए हैं। ये मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, और नीचे मोती लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर नेक पीस है। इसके साथ इसके इयररिंग दिए हुए हैं जिसमें रेड रोज बने हैं, नीचे मोती लगा हुआ है, ये रियल है, मोती है, ये जो है ये ओरिजिनल कोरल है जो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने अंडमान से ही खरीदा था जी, ये मैंने अंडमान से खरीदा था। काफ़ी सुंदर पीस है ये और बहुत ही अच्छा लगता है। अगला है मगला, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक नेक पीस है जो हम गाउन के साथ पहन सकते हैं और टॉप के साथ भी डाल सकते हैं, डीप नेक टॉप के साथ हम इसको डाल सकते हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सिर्फ 100 रुपए का ही है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे
गिफ्ट किया था, या वो आगरा से लेके आई थी मेरे लिए। काफी सुंदर है ये नेक पीस, या ऐसा कुछ दिखता है ये ऐसा। अगला मैं आपको दिखाती हूँ प्लेन है ये, ज्यादा नहीं है भी नहीं है, प्लेन सा है कुछ। ये ऐसा नेक पीस है, पास से दिखाती हूँ। छोटा सा लॉकेट है जो नग, जिसमें नग लगे हुए हैं ऊपर, ये छोटी छोटी मोतियों की लड़ी है, या ऐसा कुछ दिखता है ये। ये नॉर्मली सूट के साथ हम पहन सकते हैं, काफी सुंदर लगता है। तो मैं आपको और दिखाती हूँ थ्री चेन वाला पीस, आपने देखे होंगे आजकल काफी ट्रेंड में है थ्री चेन में जो होता है नेक पीस। नॉर्मली टॉप के साथ हम उसको डालते हैं, टॉप के साथ या गाउन के साथ कैरी करते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, कुछ ऐसा दिखता है। ये सिल्वर कलर में है, सिल्वर टाइप में है ये ऐसा है। नेक्स्ट है वो भी एक छोटू सा नेक पीस है जो आर्चीज की शॉप का है, और आर्चीज का है ये। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट दिया था, या ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए आप, पास से दिखाती हूँ। ब्लू नग है इसमें, वाइट है, और ऐसे ये मेटेलिक है सिल्वर कलर में, और ये छोटे छोटे टॉप्स हैं जो ब्लू कलर के हैं, काफी शाइनी है ये और बहुत अच्छा लगता है ये। तो अगला हम आते हैं, आप जो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र आते हैं वो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है, मैं लेके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए काफी सुंदर है, और मैंने इसे काफी बार पहना भी है, पर इसका कलर नहीं गया है, काफी अच्छा है। डबल चेन में है और काफी सुंदर लगता है ये। इसके साथ ही इसके इयररिंग भी थे, ये ऐसे कुछ है, ये ऐसे दिखते हैं कुछ, ये मैचिंग है। ये इयररिंग इसके साथ ही के थे मंगलसूत्र के। अगर हम कुछ ना भी पहने तो साड़ी के साथ सिर्फ मंगलसूत्र और ये इयररिंग पहन सकते हैं, जो काफी अच्छा लुक देता है, अच्छे लगेंगे। ये देखिए आप, ठीक है। अगला दिखाते हैं एक और छोटू सा नेक मंगलसूत्र है मेरे पास, जो मैंने शिमला से लिया था। शिमला हम घूमने गए थे एक बार, तो वहां से मैंने लिया था। वो कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा है, ऐसा कुछ है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, या ये कुछ ऐसा दिखता है। ये भी अच्छा लगता है, नॉर्मली मैं ऐसे पहन सकती हूँ बाहर जाते समय। तो फिर आते हैं हम इयररिंग पे। इयररिंग मेरे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मेरे कान पक जाते हैं। सो जो भी है मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कलेक्शन क्या है। तो फर्स्ट ये है एक झुमकी सेट, झुमका ऐसा कुछ है ये। हाथ में लेके दिखाती हूँ मैं आपको, ये ऐसे दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये पहनने पे, बहुत अच्छा लगता है। ये देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, पर ये भारी नहीं है, बहुत ही हल्के हैं ये, बहुत ही लाइट वेट है। नेक्स्ट है ये देखिए, ब्लैक एंड गोल्डन कलर की इयररिंग, इन्हें हम सूट के साथ भी पहन सकते हैं और साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। साइड में रख जाती हूँ मैं, नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है ये मोती और पिंक, ये वाइट मोती और पिंक कलर के इसके लटकन लगे हुए हैं, पिंक और वाइट में है, झुमकी बोलेंगे इनको, झुमकी है ये, झुमकी स्टाइल इयररिंग है।
जो मुझे काफ़ी पसंद है और अच्छी भी लगती हैं। ये देखिए हैवी हैं और अच्छी भी हैं। नेक्स्ट हैं ये चांद बाली बोलते जिनको, या चांद बाली। ये देखिए ये हैं चांद बाली, जो थोड़ा सा मल्टी कलर टाइप में पिंक ग्रीन नग रखे हुए हैं इसमें, मोती का काम है और बहुत सुंदर है ये। ये भी साड़ी और सूट दोनों के साथ हम पहन सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं मरून कलर के हैं इयररिंग, छोटू से, ज़्यादा बड़े नहीं हैं और हैवी भी नहीं है। ये कुछ ऐसे हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए आप, ये पहनने पे काफ़ी अच्छी लगती हैं। और दो मल्टी कलर छोटू झुमकी हैं, या ये ऐसा, ये सूट पे भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसे हैं। नेक्स्ट है अफगानी झुमके जो आजकल चल रहे हैं, अफगानी इयररिंग मुझे बहुत पसंद हैं, उसमें से दो मैंने खरीदे भी हैं। सो दिखाती हूँ मैं आपको, ये है अफगानी इयररिंग सिल्वर कलर में और नीचे पिंक कलर के इसमें लटकन लगे हुए हैं। ये देखिए नेक्स्ट है मल्टी कलर में, ये जो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत पसंद भी हैं। या ये है कुछ, ये हैं देखिए कितने सुंदर हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं। मल्टी कलर सूट हो तो भी अच्छे लगते हैं, ये तो गाउन पे भी पहने जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, उनको किनारे करते हैं। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको मेरे काफ़ी हैवी, ये हैवी हैं वो हैं, मुझे इस तरह की इयररिंग बहुत पसंद है जिसमें लटकन लगा होता है और सहारे होते हैं। ये ऐसा है, ये इयररिंग है, इसमें सहारे अटैच हैं, इसको हम बालों में लगाएंगे और नीचे लटकन रहेगा इसका। ये देखिए आप, कुछ तो ऐसा है ये। और नेक पीस है जिसमें गणेश जी बने हुए हैं और इयररिंग में भी इसमें गणेश भगवान बने हुए हैं। ये काफ़ी हैवी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी, और कई जगह भगवान की जो फोटोज़ होते हैं वो बने होते हैं नेक पीसेस पे, वो बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास अभी इसके अलावा एक और है जो मेरे घर पर है, उसमें लक्ष्मी जी बनी हुई है, बहुत सुंदर पीस है। जब कभी मौका लगेगा तो मैं उसे आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही सुंदर है। और तो फिर ये था मेरा आज का व्लॉग, और फिर ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा मेरा व्लॉग आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और आपकी डिमांड है तो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरे ये जो भी है सामान मेरे पास इमिटेशन ज्वेलरी का, जो भी इयररिंग है नेक पीसेज है, आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हुआ है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने अभी नए नए वीडियोस बनाने शुरू किए हैं तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में, पर जो भी पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज फिर इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।